आपका राशिफल में आपका स्वागत है। मैं आचार्य पंडित राजकुमार मिश्र। आइए देखते आज का दैनिक पंचांग संवत 2069 साके 1934 हेमंत ऋतु पौष मास शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि दिन गुरुवार। उत्तराभारत नक्षत्र होगा रात्रि 9:20 तक। आज राहु काल का समय होगा अपराह्न 1:30 से सायंकाल 3 बजे तक। मेष राशि मालिक मंगल। आज आपका मंगल ही मंगल होगा। समाज में मान सम्मान और ख्याति के साथ धनागम के उत्तम योग रहेंगे। दोस्तों आज परम प्रशंसित रहेंगे और गृहिणियां खुशहाल रहेंगी। आज के दिन विद्यार्थी भी विद्या अध्ययन में रत रहेंगे। वृक राशि मालिक शुक्र। आन फान में लिया गया निर्णय आपके नुकसानदायक साबित हो सकता है। लेन देन में आप सावधानी बरतें। साथ ही साथ अपने मित्रों को परखने की आवश्यकता है। आपके मित्र ही शत्रु के रूप में परिणित हो सकते हैं। जो भी आप कार्य करें बड़ी सहजता पूर्वक करें और वाणी पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। रही बात व्यवसायियों की, व्यवसायीगण व्यवसाय में सामान्य लाभ प्राप्त करेंगे लेकिन आज के दिन परचम लहराएंगे राजनीतिक क्षेत्र वाले। मिथुन राशि मालिक बुद्ध। बुद्धि के योग के द्वारा ही आपके धनागम के उपाय होंगे। निर्मल बुद्धि आपकी होगी, सहजान भाव होंगे, ऐश्वर्यशाली होंगे, प्रतिष्ठित होंगे। वाणी के सक्षमता के ही द्वारा आपको लाभ के योग बन रहे हैं। आप ध्यान रखें जो भी कार्य करें उसमें आप विशेष करके उच्च अधिकारियों अथवा माता पिता का आशीर्वाद अवश्य लेंगे, लाभ प्राप्त होगा। कर्क राशि मालिक चंद्रमा। धनागम के उत्तम योग रहेंगे। आज व्यवसायीगण खुशहाल रहेंगे। आज आपको रुके हुए धन की भी प्राप्ति होगी। साथ ही साथ आज आपकी नवीन योजनाएं सफल होने जा रही हैं। तो आप बिल्कुल स्वस्थ चित्त रहें और परम प्रसन्न रहें। घर में खुशियों का माहौल रहेगा। अतिथियों के आगमन से आप आह्लादित हो उठेंगे आज के दिन। सिंह राशि मालिक सूर्य। बड़े ही आप प्रतापी होंगे, सहजान भाव होंगे, बड़े ही स्नेहिल होंगे। अपने मित्रों के बीच में आप बड़ी खुशहाली का आज अनुभव प्राप्त करेंगे। बहुत दिन के लिए कार्य भी आपके बनेंगे और व्यवसायियों का व्यवसाय बड़ा ही उत्तम होगा। आज के दिन गृहिणियां भी खुशहाल रहेंगी। यात्रा भी आज संभव हो सकता है। विशेष करके विद्यार्थीगण अपने इष्ट मित्रों के साथ प्रशंसित रहेंगे। कन्या राशि मालिक बुध। आज आप जो भी कार्य करने जा रहे हैं उसमें आपको सफलता ही सफलता मिलेगी। मित्रों का विषय प्राप्त होगा और शत्रु भी होंगे पराजित। दैहिक दैविक भौतिक तीनों सुख से आप आच्छादित रहेंगे। मनोभाव आपका बड़ा ही उत्कृष्ट होगा। वाणी ही आपकी गहने बन जाएंगे। इसलिए आज आप भगवान की असीम कृपा है, माता पिता का आशीर्वाद अवश्य लें। तुला राशि मालिक शुक्र। जो भी आप कार्य करेंगे उसमें आपको कठिनाइयां आज के दिन हो सकती है। मन भी आपका खिन्न हो सकता है। नाना प्रकार के व्यवधान से आप हो सकते हैं, तो सावधान रहने की आवश्यकता है। जो भी कार्य करें प्रातःकाल ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। मस्तक पर पीले चंदन का लेपन करेंगे, लाभप्रद होगा। वृश्चिक राशि मालिक मंगल। होंगे आपके अभ्युदय के समय धनागम के उत्तम योग बनेंगे। व्यवसायीगण खुशहाल रहेंगे, गृहिणियां भी रहेंगी आनंदित आज और राजनीतिक क्षेत्र वाले आज परचम लहराएंगे। विद्यार्थीगण विद्या अध्ययन में भी रत रहेंगे। धनु राशि मालिक बृहस्पति। आइए आज तो आपका ही दिन है, बड़े ही सुखमय जीवन व्यतीत करेंगे। दाम्पत्य जीवन बड़ा सुमधुर होगा। यात्रा भी मंगलमयी होगा और समाज में मान सम्मान ख्याति के साथ धनागम के उत्तम योग रहेंगे। व्यवसायीगण परम प्रसन्नचित्त रहेंगे। आज आपकी नवीन योजनाएं भी सफल होने जा रही हैं और राजनेता भी रहेंगे खुशहाल। मकर राशि मालिक शनि। लेन देन में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है
और वाणी पर भी आप संयम बरतेंगे, क्रोध पर संयम बरतेंगे तो आपके सारे कार्य बनते जाएंगे। प्रातः काल उठ करके माता पिता को आशीर्वाद अवश्य आप ग्रहण करें, साथ ही साथ गो सेवा आपके लाभप्रद होगा। कुंभ राशि, मालिक शनि, बिल्कुल आप स्वस्थ होंगे, तन और मन से नई स्फूर्ति के साथ कार्य आरंभ करने जा रहे हैं, धनागम के उत्तम योग बन रहे हैं, लेन देन भी आपके लाभप्रद होगा, नवीन रचनाएं सफल होने जा रही हैं, बिल्कुल आप स्वस्थ चित्त रहें और प्रेम प्रसन्न चित्त रहेंगे, ईश्वर के सिद्धता के पात्र होंगे। मीन राशि, मालिक बृहस्पति, प्रातः काल से आप नई स्फूर्ति के साथ कार्य आरंभ करने रहे, धनागम के उत्तम योग रहेंगे, व्यवसायी गण खुशहाल रहेंगे, राजनेता भी आज बड़े ही प्रशंसित होंगे, कुछ अधिकारियों से आज आपका मिलन होगा और विशेष करके गृहणियां भी खुशहाल रहेंगे, विद्यार्थी गण विद्याध्ययन में रत रहेंगे और साथ ही साथ मित्रों के साथ आज आप खेल कूद आदि में भाग लेंगे, बड़े ही भाग्यशाली होंगे आज के दिन। और किसी भी अनुष्ठान, पूजा पाठ अथवा कुंडली की विशेष जानकारी के लिए हमारे नीचे लिखे पते पर संपर्क करें। तो आज के राशिफल में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं।